हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल में, जो कि हिंदी मीडियम स्टूडेंटों के लिए बनाया गया है खास तौर पर। और हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं डेली पीआईबी का एनालिसिस हिंदी में हिंदी मीडियम स्टूडेंटों के लिए। आज है 18 फरवरी 2019। तो चलिए देखते हैं आज की पीआईबी की करंट अफेयर्स। और आज का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको यह सब वीडियो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपका कोई भी लेक्चर वगैरह मिस नहीं होगा। साथ ही आपको भारत की राज्य व्यवस्था के लेक्चर मिल जाएंगे, एनसीईआरटी इतिहास के लेक्चर मिल जाएंगे, भूगोल के एनसीईआरटी के लेक्चर मिल जाएंगे और इन सब पर लेक्चर मिल जाएंगे। और एक साथ द हिंदू न्यूज़पेपर का हिंदी एनालिसिस भी आता है, वह भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। साथ ही मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करें। क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनके आंसर कमेंट में दें। वीडियो पसंद नहीं आता तो डिसलाइक भी करें और डिसलाइक करके कमेंट में बताएं कि क्यों किया है। साथ ही वीडियो को हिंदी मीडियम के स्टूडेंटों के साथ शेयर जरूर करें, फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें, ताकि वह भी अवेयर रहें आसपास के इलाके में क्या चल रहा है। तो चलिए चलते हैं आज के डिस्कशन की ओर, जिसमें पहली जो न्यूज रहती है हमारी राष्ट्रपति सचिवालय की रहती है। तो राष्ट्रपति ने गन्नौर हरियाणा में चौथे कृषि नेतृत्व सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित किया है। यह था चौथा, था याद रखिएगा कौन सा, चौथा कृषि समारोह था। जो इस तरह के नंबर पूछ लिए जाते हैं कौन सा कृषि समारोह था, कहाँ हुआ था, हरियाणा में हुआ था, थोड़ी बहुत आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। इसी के साथ प्रधानमंत्री सचिवालय के कार्यालय की तरफ चलते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री ने बिहार के लिए 33,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का अनावरण किया, कहा कि फोकस विकास पर है और पूर्वी भारत एवं बिहार प्राथमिकता पर भी है। प्रधानमंत्री ने 13,365 करोड़ रुपए की पटना मेट्रो रेल परियोजना आधारशिला भी रखी। कल हमने देखा था कहां कहां पर कितनी रेल परियोजना चल रही है, यानी कि कौन कौन से राज्य में, कौन कौन से शहर में कितनी चल रही है। तो पटना में मेट्रो रेल परियोजना चल रही है, इसमें 13,365 करोड़ रुपए की आधारशिला रखी है। आपको कमेंट में एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि कितने किलोमीटर की रेल परियोजना यहाँ पर चल रही है। कल हमने डिस्कस किया था तो आपको आइडिया होगा, अगर नहीं देखा है वीडियो तो देख ले, छोटा सा वीडियो था 10 मिनट का, तो आपको आइडिया लग जाएगा। वहां पर हमने डिस्कस किया था, कमेंट में जरूर बताएं जिसने भी देखा है, पता तो चले कि कितने लोग यहाँ पर सीरियसली पढ़ रहे हैं, कितने लोग यहाँ पर बस देख कर ही टाल देते हैं। प्रधानमंत्री ने पटना सिटी गैस वितरण परियोजना का उद्घाटन भी किया, बरौनी रिफाइनरी विस्तार परियोजना का आरम्भ किया, प्रधानमंत्री ने छापरा एवं पूर्णिया में चिकित्सा महाविद्यालयों की आधारशिला भी रखी। इस तरह का काम यहाँ पर चल रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। इसी के साथ चलेंगे अगले आर्टिकल की तरफ, जहां पर भारतीय दिवाला और शोधन क्षमता बोर्ड IBBI ने मुंबई में वित्तीय ऋणदाताओं के लाभ के लिए ऋणदाताओं की समिति लोक विश्वास की एक संस्था पर अपनी तरह की प्रथम 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। पहले तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन यहां से निकल के आते हैं, जो दिवाला और दिवालियापन बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो IBB है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेंसी क्या होता है, देखिए कई बार क्या होता है, लोग बैंकों से लोन ले लेते हैं, अब लोगों के पास पैसे नहीं होते लोन चुकाने के लिए, कई बार लोग लोन चुकाना नहीं चाहते तो क्या कर देते हैं, अपने आप को दिवालिया घोषित कर देते हैं, जिससे कि इन्हें इससे माफी मिल जाए कर्ज से, कि इनके पास तो पैसे ही नहीं है, इनके पास तो कंगाल पड़े हैं, यह कहाँ से कर्ज देंगे। तो इस तरह का यह उपाय अपनाते हैं इन सब चीजों से बचने के लिए। तो संस्थापक कौन है, भारत की संसद। ठीक है, स्थापना कब हुई थी, 1 अक्टूबर 2016 को। नियामक एजेंसी के कार्यकारी MS साहू अध्यक्ष के। मुख्य दस्तावेज दिवाला और दिवालियापन संहिता। मुख्यालय कन्नौट प्लेस, नई दिल्ली, दिल्ली में है। तो अभी आया लेटेस्ट, इसलिए इसके बारे में आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पर आर्टिकल आया है जो उसको डिस्कस करेंगे हम। तो दिवाला, भारतीय दिवाला और संशोधन अक्षमता बोर्ड IBBI ने भारतीय स्टेट बैंक SBI एवं भारतीय कंपनी मामले संस्थान IICA के साथ संयुक्त रूप से मुंबई में 15 से 16 फरवरी को ऋणदाताओं की समिति लोक विश्वास की संस्था पर अपनी तरह की प्रथम दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। पहली है इसलिए यह न्यूज में आई है, तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, कहां पर हुई है वह भी आपको पता होना चाहिए, मुंबई में हुई है। ठीक है, कार्यालय आपको पता होना चाहिए दिल्ली में है। यह कार्यशाला अनूठा एवं वित्तीय ऋणदाताओं के लाभ के लिए अपनी तरह का प्रथम आयोजन है, जिसमें दिवाला और संशोधन अक्षमता कोड 2016 के तहत ऋणदाताओं की समिति से निर्मित है। प्रमुख अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के 28 वरिष्ठ अधिकारियों, महाप्रबंधकों
एवं कार्यकारी निदेशकों ने कार्यशाला में भाग लिया। यह एक शानदार तरीके से कार्यशाला का आयोजन किया गया यहाँ पर। इसी के साथ अगला जो मंत्रालय है, यहाँ पर नए नए मंत्रालय आते रहते हैं डेली, तो सामाजिक एवं न्याय आधिकारिकता मंत्रालय, यहाँ से न्यूज आई है। तो इसमें DIPWUD 18 फरवरी 2019 को कोलकाता में दीनदयाल दिव्यांगज पुनर्वास स्कीम DDRS पर क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजित करेगी। बात की जा रही दीनदयाल दिव्यांगज पुनर्वास स्कीम की, इस स्कीम के बारे में आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। इससे पहले आपको आइडिया होना चाहिए किसके बारे में, इनके बारे में, इन पर्सनालिटी के बारे में, दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में। तो देख लीजिएगा, इनका जन्म यहाँ पर 24 सितंबर 1900 यहाँ पर दिया गया, मथुरा जिले में हुआ था। यह टिपिकल हिंदी है यहाँ पर थोड़ी सी, तो यहाँ पर 1913 ही है ये, में हुआ, मथुरा जिले में हुआ था। 11 फरवरी इनकी हत्या की गई थी, मुगल सराय जंक्शन है जो वहां पर, जिसका नाम चेंज करके यहां पर क्या कर दिया गया है, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन बना दिया गया आज के समय में, जो काफी न्यूज में था उस टाइम पे, इसलिए पता होना चाहिए। 11 फरवरी 1968 को शिक्षा विक्रम सिंह सनातन धर्म कॉलेज 1939 में हुई थी। इसी के साथ माता पिता भवानी प्रसाद राम प्यारी, राष्ट्रीयता भारतीय ब्रिटिश राज, ठीक है, उस समय के ये काफी शानदार पर्सनालिटी थे। अब थोड़ा सा इस आर्टिकल के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है दिव्यांगजनों के समग्र सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार ने सामाजिक न्याय एवं आधारिकता मंत्रालय दिव्यांगजन अधिकारिकता विभाग DIPWUD 18 फरवरी 2019 को कोलकाता में दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास स्कीम DDRS पर एक क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। यह पूर्व एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र के 13 राज्यों नामद, यह पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एवं त्रिपुरा को कवर करेगी यह योजना। इतने राज्यों में यह योजना चलनी है। इसमें हितधारकों अर्थात DDRS के तहत अनुदान प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठनों, राज्य सरकार के अधिकारियों और जिला स्तर अधिकारियों की भागीदारी होगी। काफी शानदार तरीके से इसमें लोग भागीदारी करेंगे। इस स्कीम के तहत प्रत्येक वर्ष 600 से अधिक NGO को दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए विशेष विद्यालय, पूर्व विद्यालय एवं आरंभिक उपाय, हाफवे होम्स एवं समुदाय आधिकारिक आधारित पुनर्वास जैसी उनकी परियोजनाओं के परिचालन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। वित्त पोषित NGO प्रतिवर्ष 35,000 से 40,000 से अधिक लाभार्थियों को पुनर्वास संबंधी सेवाएं प्रदान करेगा। साथ ही एक पॉइंट और यहां पर रह गया है, उपलब्ध कराते हैं यह इतने सारे आवास। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। NGO को सहायता अनुदान जारी करने में जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं राज्य सरकार की अनुशंसा महत्वपूर्ण होती है। यह काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिखाई दे रहा है यहाँ पर, क्योंकि इतनी सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं इन लोगों के लिए, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि कहीं ना कहीं सरकार कुछ ना कुछ कर रही है इस तरह की जो लोग होते हैं इनके लिए। काफी शानदार स्टेप यहाँ पर यह दिखाई दिया। तो यह था कंप्लीट आर्टिकल, चलेंगे अगले आर्टिकल की तरफ। अगली जो यहाँ पर मिनिस्ट्री है कौन सी है, जनजातीय कार्य मंत्रालय। तो जनजाति जो यह होती है, यह राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के अंदर आते हैं, जो इनके बारे में यहाँ जान लेते हैं। उपराष्ट्रपति 19 फरवरी 2019 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का स्थापना दिवस व्याख्यान देगा, ठीक है, कब, 19 फरवरी 2019 को। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST की स्थापना 19 फरवरी 2004 को संविधान 79वां संशोधन अधिनियम के माध्यम से की गई थी, ठीक है, याद रखें कब, 19 फरवरी 2004 को की गई थी, यह अधिनियम संशोधित अधिनियम हुआ था। इसके साथ यह आयोग 19 फरवरी 2019 को 15वां स्थापना दिवस मनाएगा, इसलिए यह इम्पोर्टेंट है। आयोग ने 31 दिसंबर 2018 को आयोजित अपनी 109वीं बैठक में इस दिवस को उत्साहपूर्वक मनाने का निर्णय किया, इसलिए काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमारी जो अनुसूचित जाति जनजाति है इनसे संबंधित है। उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने 19 फरवरी 2019 को दिन में 11 बजे नई दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में NCST का प्रथम स्थापना दिवस व्याख्यान देने पर सहमति व्यक्त की है।
स्थापना दिवस व्याख्यान का विषय संविधान एवं जनजाति है। विषय भी पूछा जा सकता है कि क्या था इसका, तो संविधान एवं जनजाति। इस संबोधन के भारत के संविधान के विभिन्न कारकों पर ध्यान केंद्रित करने की संभावना है, जिसके कारण देश में अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधानों का निर्माण किया गया, जिनमें पांचवीं और छठवीं अनुसूची के तहत राज्यों का निर्धारण शामिल है। तो यह देख सकते हैं कि किसमें कौन सी अनुसूची होती है, किसमें क्या क्या रखा जाता है। तो पांचवी अनुसूची और छठवी अनुसूची है, जिसके तहत टॉपिक कौन कौन रखे गए हैं। अनुसूची के तहत राज्यों एवं निर्धारण शामिल है। इसी के साथ व्याख्यान के भारतीय गणतंत्र के 69 वर्षों के दौरान संवैधानिक सुरक्षा उपायों के कामकाज की समीक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की संभावना है। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर कामकाज चल रहा है इनके लिए, जो जनजाति पिछड़े हुए लोग हैं इनके लिए काफी शानदार तरीके से काम चल रहा है। इसी के साथ इस अवसर पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी एक NCST नेतृत्व पुरस्कार नामक एक राष्ट्रीय पुरस्कार का गठन करने का फैसला किया है। तो देखिए किस तरह के पुरस्कार यहाँ पर देने की बात की जा रही है, जिसे देश में अनुसूचित जनजातियों की दिशा में उल्लेखनीय एवं अनुकरणीय सेवा के लिए प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार 3 श्रेणी में दिए जाएंगे। कौन कौन सी 3 श्रेणी होगी? पहली तो एक शैक्षिक संस्थान विश्वविद्यालय वाली श्रेणी, दूसरी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम बैंक, और तीसरी किसी व्यक्ति विशेष NGO या सिविल सोसाइटी द्वारा प्रदान की जाने वाली सार्वजनिक सेवा। यह 3 क्षेत्र यहाँ पर हैं जिनमें यह पुरस्कार दिया जाएगा। इस वर्ष पहला पुरस्कार निम्नलिखित को प्रदान किया जाएगा। देखिए पहला पुरस्कार है इस क्षेत्र में, इसलिए इम्पोर्टेंट है, कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर, किंडरगार्टन से स्नातोत्तर स्तर तक उड़ीसा एवं समीपवर्ती राज्यों के जनजातीय बच्चों की शिक्षा की दिशा में उनके उल्लेखनीय योगदान के सम्मान में दिया जाएगा। दूसरा, सेंट्रल कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड रांची झारखंड में अनुसूचित जनजातीय बच्चों के बीच खेल को बढ़ावा देने के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के सम्मान में दिया जाएगा। डॉक्टर प्रणव कुमार सरकार अंडमान आदिम जनजातीय समिति AAJVS में जनजाति कल्याण अधिकारी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह में अर्थात ओगेंस सोमपेनस अंडमानी और जारवास की दिशा में उनके उल्लेखनीय योगदान के सम्मान में दिया जाएगा। तो ये हमारी जो प्रजातियां हैं इनके लिए जो योगदान चल रहे हैं उनके लिए सम्मान दिया जाएगा, जो जनजातियां हैं जो रहती हैं दूर दराज के इलाकों में उनके लिए। इसी के साथ चलेंगे अगले, थोड़ी और आगे के कुछ पॉइंट बचे हैं। ये पुरस्कार उपराष्ट्रपति द्वारा 19 फरवरी 2019 को स्थापना दिवस समारोह के उत्तरीय के साथ प्रशस्ति पत्र एवं पदक के रूप में प्रदान किया जाएगा। जैसा कि राष्ट्र महात्मा के 150 वर्ष मना रहा है, यानी कि जो हमारे देश में जो महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहा है इस वर्ष, जो कि 2 अक्टूबर को होगी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अपनी स्थापना के 15 वर्ष मना रहा है। ठीक है, इस अवसर पर आयोग ने हिंदी में जनजातीय संविधानता स्वाधीनता संग्राम, याद रखिएगा जनजातीय स्वाधीनता संग्राम की बात हो रही, नामक एक पुस्तक निकाली है। राष्ट्रपति द्वारा विमोचन की जाने वाली यह पुस्तक देश में जनजातीय लोगों की स्वाधीनता संग्राम के छोटे अज्ञात पहलुओं को सामने लाती है। यह पुस्तक स्वाधीनता संग्राम के दौरान ब्रिटिश शासन के खिलाफ आदिवासी विद्रोह के योगदान पर प्रकाश डालेगी, किस तरह से इनने अंग्रेजों से लड़ाई की, जैसे कि बिरसा मुंडा वगैरह हो गए, इनने किस तरह का इनका योगदान रहा, इस तरह की छोटी छोटी कहानी रहेगी। इसमें शहीद वीर बुधू भगत, भगवान बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, सिंधु कान्हू, भूमकल गुड़ाधर, क्रांतिवीर सुरेंद्र साई कुंवर, रघुनाथ शाह, विरोधी तात्या भील, अमर शहीद वीर नारायण सिंह, परम बलिदानी गोविंद गुरु एवं जनजाति वीरांगना महारानी दुर्गावती पर लेख शामिल है। यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय नेतृत्व के अमूल्य योगदान और बहादुरी को सामने लाने का आयोग का एक प्रयास है। तो आप देखेंगे किस तरह से जो हमारी जनजाति के जो वीर थे उनने किस तरह से अपना योगदान दिया स्वतंत्रता संग्राम में। चूंकि किसी जनजातीय समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन एक परंपरा है, इसलिए संस्थापना दिवस समारोह भी गुजरात और राजस्थान के मवेशी भील नृत्य के रूप में समृद्ध जनजातीय विरासत प्रदर्शित करेगा। इसी के साथ साथ 19 फरवरी 2019 को राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली में
स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों पर एक दृश्य प्रदर्शनी भी भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। तो यहाँ पर यह शानदार तरीके से आयोजन किया जाएगा, काफी शानदार लगा। इसी के साथ यह था आज का हमारा डिस्कशन। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके कमेंट करना, शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।